हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मशीन डिज़ाइन का जो हमने सब्जेक्ट देखा उसमें गियर डिज़ाइन में पर्टिकुलर एक इक्वेशन जो है वो ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करने के लिए आता है, ठीक है। और वो जो इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, हमें मॉड्यूल फाइंड करना रहता है। तो मॉड्यूल क्यूब इज इक्वल टू 51.77 प्लस 14.31 मॉड्यूल। तो ये इक्वेशन से हमें मॉड्यूल फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेटर से हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो कैलकुलेटर में सबसे पहले जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हम यहाँ पे अंडर क्यूब करते हैं, तो शिफ्ट एंड अंडर क्यूब आप देख सकते हो यहाँ पे, देन ब्रैकेट करना होता है। यहाँ पे ब्रैकेट करना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपको आंसर नहीं मिलेगा। 51.77 प्लस 14.31, फिर यहाँ पे जो मॉड्यूल लिखा है ना उसकी जगह हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल की जगह हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट में आंसर लिखना है। तो ब्रैकेट में आंसर कर देते हैं, ब्रैकेट ओवर, और दूसरी बार भी हमें ब्रैकेट ओवर करना है। फिर इक्वल टू करोगे आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5.26 इस तरह से आंसर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, और कई बार इक्वल टू करना है। देखो आंसर चेंज हो रहा है, 5.02, ठीक है, उस तरह से 4.98। तो एक टाइम आएगा जब ये स्टॉप हो जाएगा चेंज होना। देखो अब 4.97 ही आ रहा है आंसर, ठीक है। सो 4.97 इट इज़ नियर अबाउट 5। सो यहाँ पे हमने मॉड्यूल जो है हमारा आंसर 5 आया, ठीक है। वैसे ही दूसरा मैं एग्जांपल आपको लेना चाहूँगा कि ये एक दूसरा एग्जांपल है, ठीक से, ठीक है। फिर से हम करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, शिफ्ट यहाँ पे अंडर क्यूब होगा, ठीक है, और ब्रैकेट, देन 53.88 आपको दिख रहा है यहाँ पे कैलकुलेटर में, ओके। नाउ प्लस 35.27 ब्रैकेट आंसर डबल ब्रैकेट, ठीक है, दो बार ब्रैकेट करना है और इक्वल टू करना है। तो यहाँ पे जो आंसर दिख रहा है आपको वो 6.120 समथिंग आ रहा है। अब हमें क्या करना है, उसको जब तक ये आंसर स्टेडी ना हो तब तक इक्वल टू करते रहना है। देखो 6.46 आया, उसके बाद 6.55 आया, अगेन हमने इक्वल टू दबाया 6.58, ठीक है, अगेन इक्वल टू 6.58। अब देखो 6.59 जो है वो ऑलमोस्ट जितनी भी बार आप इक्वल टू दबाओगे 6.59 ही आंसर रहेगा। तो इट इज़ इक्वल टू 6.66। तो हमारा जो आंसर है मॉड्यूल जो है वो 6.66 रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम ट्रायल और एरर मेथड जो है वो कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। मशीन डिज़ाइन में बहुत सारे एग्जांपल में मॉड्यूल फाइंड करना रहता है, स्पर, हेलिकल, बेवल, वॉर्म, सब गियर में हम मॉड्यूल फाइंड करते हैं। तो अगर इस तरह से इक्वेशन आता है तो आप आंसर बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।